मेरे न्यूज चैनल से। आज आप लोगों को लाएंगे सत्याग्रह पार्क। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी कि हमारे मोतिहारी में बसा हुआ बना हुआ ये सत्याग्रह पार्क कैसा है और कितना खूबसूरत है। लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे। सत्याग्रह पार्क गांधी जी जब हमारे बिहार में आए हुए थे और उनके आए हुए जब 100 साल पूरे हो गए 2017 में, तो इस पार्क का निर्माण हुआ, इस पार्क का गठन हुआ। यह पार्क वाकई में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे झरने हैं, खिलौने हैं बच्चों को खेलने के लिए, प्रदूषण है वहाँ पे। ये पार्क शांति और खुले आसमान के नीचे, आइए यहाँ पार्क के नीचे बैठे कुछ लोगों से जानते हैं कि इन्हें यहाँ आकर के कैसा लगता है और ये यहाँ पे आके कैसा फील करते हैं। तो इधर हम ध्यान देते हैं और कुछ लोगों को देखते हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ लड़कियाँ हैं, इनसे इसके बारे में कुछ जानते हैं। आपका नाम? आप यहाँ पे अक्सर आते हैं? जी, हफ्ते में तो दो बार आई जाती हूँ। यहाँ पे आके आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून फील मिलता है। आप ये बताइए कि शहर के भाग दौड़ में और इस पार्क में आपको क्या मतलब अंतर लगता है? थोड़ा सा तो कुछ लगता होगा ना? हाँ सर, बाहर पॉल्यूशन बहुत रहता है, यहाँ पे आके अच्छा लगता है। फिर बच्चे लोग हैं, बाबू ये आता है, हमेशा आता है, इसको अच्छा लगता है। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे हरी हरी है। जैसे कि आपने यहाँ आफरीन जी के बारे में सुना, इन्होंने बताया कि इन्हें ये पार्क कितना पसंद है, कितना प्यारा है। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पीछे हमारे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बच्चे हैं जो कैसे खेल रहे हैं। और बच्चों के साथ साथ यहाँ युवा लोग, बुजुर्ग लोग, हर तरह के लोग इस पार्क में आते हैं और यहाँ पे घूमते हैं और यहाँ पे आनंद उठाते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस पार्क को देखते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, यहाँ पे औरतें हैं, ये कितने सुकून से इन बच्चों के साथ यहाँ बैठी हैं। जहाँ पे शहर में इतनी प्रदूषण है, इतने शोर हैं, हल्ले गुल्ले हैं, वहाँ पे ये छोटे बच्चे यहाँ पे कितने शांति फील कर रहे हैं और कितने आराम से यहाँ खेल रहे हैं। तो ये खासियत है इस पार्क की, शांति जगह की। ये कुछ युवा लोग हैं, एक खुशनुमा, एक शांति सा ये माहौल, जहाँ पे बहुत ही मन शांत है। यहाँ से जाने का तो दिल बिल्कुल किसी को नहीं करेगा, इतना प्यारा ये जगह, इतनी अच्छी, हर तरह के यहाँ झूले हैं, हर तरह के खिलौने हैं। अब हम आते हैं जहाँ पे गांधी जी के बारे में कुछ लिखा गया है, उसे हम पढ़ के देखते हैं। कुछ शिलालेख हैं जिन्हें हम देखेंगे। हम ये हमारे बापू महात्मा गांधी मोहनदास करमचांदी की, करमचंद गांधी की ये मूर्ति बनाई गई है, इसे हम देखते हैं। और इनके कुछ वचन यहाँ लिखे गए हैं कुछ शिलापटों पे, जिन्हें हम जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इस पत्थर पे, इस शिलालेख पे, भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छिपाने में उससे बड़ा पाप है। ये गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ है, दूसरा शिलालेख है। इसमें लिखी गई है, अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है जो सतह को चमत्कार और साफ कर देती है। महात्मा गांधी। इस तरह से यहाँ आप देखेंगे कि अनेकों शिलापट हैं जहाँ पे गांधी जी की बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, जिससे कि हमारे जीवन में कुछ ज्ञान भी बढ़ता है और कुछ जानकारियाँ भी आती हैं। आगे के शिलालेख हम देखेंगे, पर इस सत्याग्रह पार्क को हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ जानना चाहेंगे कि इसकी खूबसूरती के पीछे गांधी जी का जो संघर्ष रहा, गांधी जी को बिहार आए 100 साल पूरे हुए जिसपे ये सत्याग्रह पार्क बनाया गया,